नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G60 वर्सेस Oppo A55 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Moto G60 में 6.68 इंच जबकि A55 4G में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Moto G60 से कम है। विड्थ की बात करें तो Moto G60 में 2.99 इंच जबकि A55 4G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Moto G60 में 0.39 इंच जबकि A55 4G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Moto G60 में 225 ग्राम्स जबकि A55 4G में 193 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Moto G60 में 20:5:9 जबकि A55 4G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Moto G60 में 6.8 इंचेस जबकि A55 4G में 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Moto G60 में 1080x2460 और A55 4G में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Moto G60 में 85.43% जबकि A55 4G में 82.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Moto G60 में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि A55 4G में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Moto G60 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और A55 4G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Moto G60 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और A55 4G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Moto G60 में Adreno 618 जबकि A55 4G में PowerVGE 8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Moto G60 में Qualcomm Snapdragon 732G और A55 4G में MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो Moto G60 में 6GB की RAM मिलती है जबकि A55 4G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Moto G60 में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि A55 4G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Moto G60 में अप टू 1TB जबकि A55 4G में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Moto G60 में 6000mAh जबकि A55 4G में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Moto G60 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें A55 4G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 15,490 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,700 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटो G60 में 10 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो A55 4G की तो उसमें 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में मोटो G60 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में मोटो G60 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M01s है, दूसरा शाओमी पोको M2 Pro है, तीसरा शाओमी पोको X3 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M31 Prime है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।